हेलो एवरीवन, आज मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट डे, सेकंड शिफ्ट, जो 10:30 बजे वाली जो रिपोर्टिंग होती है 10:30, तो वो मेरा शिफ्ट थी, शिफ्ट टू। तो अभी मैं अपना एनालिसिस बताती हूँ। इंग्लिश में आरसी आया था 10 मार्क्स का, जिसमें एक एंटोनिम एक सिनोनिम पूछा गया था। एरर के क्वेश्चन आए थे, 5-5 मिस स्पेल थे और 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था और 5 पैरा जंबल था। ईजी लेवल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, करने लायक था। ये और ये एंटोनिम मुझे याद आ रहा है, आई थिंक एंटोनिम पूछा था उन्होंने, एंटोनिम जो उन्होंने पूछा हुआ था, आई थिंक इक्वेट का एंटोनिम पूछा था, हाँ इक्वेट का एंटोनिम पूछा था। और सिनोनिम उन्होंने पूछा था, सिनोनिम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, इफेक्ट समथिंग कुछ था, इफेक्ट या इफेक्ट कुछ एक वर्ड था उसका। तो ये इंग्लिश का रिव्यू है। इट वॉज ईजी एंड मॉडरेट तो नहीं कहेंगे, इट वॉज ईजी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आया है क्वांट, तो क्वांट वॉज मॉडरेट। उसमें सिंप्लीफिकेशन दिए हुए थे 10 से 12 और लाइन ग्राफ था। 3 क्वेश्चन ईजी थे, उसमें 2 बहुत लंबे थे। इवन मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर मैंने छोड़ा, मुझे समझ ही नहीं आया वो क्वेश्चन। और फिर Q1 Q2 के क्वेश्चन थे, इसी में क्वाड्रेटिक दी हुई थी उन्होंने। 2 क्वेश्चन आई थिंक क्वाड्रेटिक था, पर उन्होंने Q1 Q2 बना कर दिया था, और बाकी उसमें लेंथी क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक थे 10-11, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस था, बोटन स्ट्रीम था, एज का क्वेश्चन था, और बाकी मैं देख नहीं पाई। बाकी नंबर सीरीज़ थी 4-5, तो ये भी ओके थी। ये बनाने वाले सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज़ ईजी था, इतना टफ नहीं था। बट हाँ, अरिथमेटिक और Q1 Q2 काफ़ी लेंथी था, तो इसको मैं मॉडरेट कहूँगी। इसमें मेरे अटैम्प्ट भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, मैंने अटैम्प्ट किए हैं इसमें आई थिंक 24। और बाकी हम नेक्स्ट था रीजनिंग, ये बहुत इजी सेक्शन था, काफ़ी इजी आया था। इसमें 3 पजल दी हुई थी फ्लोर वाली, और इसमें 4 फ्लोर थे और 2 उसके फ्लैट्स थे। मंथ वाली थी, वही 8 मंथ वाली थी, तो उसमें लोगों को बिठाना था। और स्क्वायर पजल, इसमें इन आउट दोनों था, 4 इन तो 4 आउट ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें पैराजम्बल, वो जो 3-3 नंबर वाले आते हैं वो थे, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे था। डायरेक्शन सेंस थे 3 क्वेश्चन, ये भी अच्छा खासा था। और सिलोरिज्म और इनक्वालिटी काफ़ी इजी थी, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था आपको। कोडिंग डिकोडिंग अच्छा था, इजी लेवल तो नहीं था, बट हाँ ओके था। और एक क्वेश्चन था नेबर, तो नेबर में वही बता रहा था कि कितने वर्ड आगे पीछे आ रहे हैं, ऐसा हम जो गिनते हैं एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज़ में कितने वर्ड सेम है ऐसा। और एक वर्ड दिया था, वर्ड मुझे याद नहीं है, बट उसमें जो वर्ड बन रहा था कि 2nd, 5th, 10th, 8th ऐसे लेके जो वर्ड बनाने होते हैं, उसमें जो वर्ड बन रहा था वो ये था, राइड और डायर, 2 बन रहा था, तो मैंने जेड मार्क किया। आप बताइएगा आपने क्या मार्क किया है इसमें। और मैंने इसमें सारे बनाए और मेरे टोटल अटैम्प्ट हैं 89। मैंने रीजनिंग में 35 बनाए हैं और क्वांट में 24 और इंग्लिश में 30। तो ओवरऑल तो मेरे एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, अगर इंग्लिश में हो सकता है मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो, बट ठीक है, अच्छी थी शिफ्ट, इतनी कुछ टफ नहीं थी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपका कैसा गया। थैंक यू।